तो हेलो एंड वेलकम टू मोटर पोर्टल। और आज मैं हूँ एक संडे राइड पर। तो प्लान मेरा ये था कि मैं एक संडे व्लॉग बनाऊंगा, वीकेंड व्लॉग, बट इतनी अजीब जगह हम राइड पर निकले कि हम सुबह से बाइक ही चला रहे हैं 190 समथिंग किलोमीटर्स। तो अब मैंने देखा कि एडवेंचर 250 है अनुज भाई की, इसका मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था, तो इसको लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ द KDM एडवेंचर 250। अब ये वाला जो मॉडल है ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके, एंड ये अनुज भाई ने यूज़ खरीदी थी। जब अनुज भाई ने खरीदी तो 18,500 समथिंग किलोमीटर्स चली हुई थी, अभी 31,000 किलोमीटर्स चल चुकी है। ये अपने बाकी के दोस्त लोग, इंटरकॉम ऑफ कराया मैंने अभी बिकॉज आई एम व्लॉगिंग। तो अनुज भाई ने ये खरीदी थी एंड उनका पर्पस सॉल्व कर रही है। दिस इज़ हिज ओनली मोटरसाइकिल एंड एज अ प्राइमरी मोटरसाइकिल द एडवेंचर 250 इज़ क्वाइट गुड। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो 40 तक का माइलेज खींचता है इस मोटरसाइकिल का, बहुत तमीज़ से अगर आप चलाओगे। एंड जो अनुज भाई है उनका वज़न पूरा 60 किलो भी नहीं है शायद तो उस हिसाब से तो माइलेज बहुत ही बढ़िया है इस मोटरसाइकिल का। और एक और बात जो है वो ये भी है कि इस मोटरसाइकिल की जो गियरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नॉन KTM लाइक है। तो जैसे कि जो एडवेंचर 390 है वो प्रॉपर KTM कैरेक्टरिस्टिक वाली है, मतलब इट्स क्विक, इट हैज़ गॉट दैट फ्रेंटिक पावर डिलीवरी, एंड इवन द ड्यूक 200 इट्स वेरी क्विक रेविंग और आपको KTM वाला प्रॉपर फील देगी। एडवेंचर 250 में वो वाला फील आपको नहीं आएगा। और टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, जो ड्यूक 250 एडवेंचर 250 वाला 250 cc इंजन है पुराना वाला, उसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो आपको लो एंड हल्का कम मिलने वाला है, मिड रेंज आपको इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी, और एक प्रॉपर जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक है इस इंजन का, वो आपको मिसिंग मिलने वाला है। और सिर्फ उसी की वजह से इस मोटरसाइकिल को चलाने में उतना मज़ा नहीं आ पाता है जितना आ सकता है, बिकॉज ओवरऑल इट्स अ KTM, इट इज़ ब्यूटिफुल इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। एंड इसमें भी स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम मिलेगा आपको, आगे आपको USD फोक्स मिलने वाले हैं, वही 170mm का ट्रैवल आपको मिलने वाला है, 177mm का ट्रैवल आपको पीछे मिलने वाला है। तो इट इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइसली स्पेक्ड अप। तो अगर मैं इंजन के स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो दिस इज़ अ 249cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड मोटर विद अ ट्विन कैम 4 वेल्व हेड एंड इट प्रोड्यूसेस 31 bhp एंड 24 समथिंग न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब जो बात है वो ये है कि पावर फिगर्स आर क्लास लीडिंग फॉर अ 249cc मोटर, बट वो आपको 31 bhp इसमें फील नहीं होने वाले हैं। इट इज़ नॉट दैट क्विक रेविंग। और एक और चीज़ ये भी है कि भाई ने जल्दीबाजी में इसमें एडवेंचर 390 वाला स्प्रॉकेट डलवा रखे हैं अगले पिछले, तो थोड़ी सी ये वैसे भी डेड सी चल रही है, बट स्टिल द एडवेंचर 250 इट इज़ नॉट दैट मच फ्रेंटिक इन टर्म्स ऑफ द पावर डिलीवरी, बट इट गेट्स द जॉब डन। इट इज़ अ क्विक मोटरसाइकिल ओवरऑल। हाईवे पे आराम से आप 100-120 पे क्रूज़ कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल पे। सस्पेंशन काफ़ी वेल ट्यून्ड है इस मोटरसाइकिल का, एंड जो सीट कंफर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एडवेंचर 390 से इंस्पायर्ड है सब कुछ इसमें, बॉडी पैनल्स वगैरह भी सेम ही है इस मोटरसाइकिल के, तो आपको मज़ा तो आने वाला है इस मोटरसाइकिल में। अभी मैं इसे काउंटर लीन करके कॉर्नर कर रहा हूँ, तो सर जो मुझे दिक्कत लग रही है वो ये है कि ये थर्ड गियर पे भी उस लेवल का पिक नहीं दे रही है आपको। बट या इंजन के बारे में बहुत बात हो गई, ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो सिटिंग कंफर्ट वगैरह बहुत बढ़िया मिलने वाला है आपको, पिलियन के लिए, राइडर के लिए, लगेज माउंट वगैरह लगा के आप इसमें अपना घर का सारा सामान लाद सकते हैं। ओके, सॉरी भाई ने रोक दी। तो सारा सामान आप इसमें लाद सकते हैं, एक्सेसरी दुनिया भर की आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा इस वाले वाइज़र में आपको प्रॉब्लम होगी वो है विंड ब्लास्ट की, बट थोड़ा सा बड़ा वाइज़र अगर आप डाल देंगे तो ये प्रॉब्लम भी आपकी चले जाएगी। तो एज अ प्रॉपर टूरर दिस इज़ अ वेरी नाइस मोटरसाइकिल। अब जो लोग बोलते हैं कि एडवेंचर 250 एडवेंचर 390 वो उस नाम की ऑफ रोडर है, तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, पर अपने एडवेंचर 390 के लॉन्ग टर्म रिव्यू में मैंने यही बोला था कि ऑफ रोड आपको कितना ऑफ रोड करना है वो मैटर करता है। अभी मैं डोमिनार से इसमें शिफ्ट हुआ हूँ तो उससे इसमें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड ओरिएंटेड है डोमिनार के मुकाबले तो। एंड
वो देख भी रहा था भाई आगे निकल जा रहे थे ऑफ रोड पैच पे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। अब एक प्रॉपर रोड स्पेक मोटरसाइकिल और एक डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल में जो फ़र्क होना चाहिए वो ये मोटरसाइकिल आपको दे देगी, वो आपको फ़र्क उसमें पता चल जाएगा। बिकॉज अभी मैं से रफ पैच में कोई दिक्कत ही नहीं है, भगाओ अब आराम से गाड़ी, इतना सस्पेंशन ट्रैवल है इस मोटरसाइकिल का। ऑब्वियसली स्टिफ है सस्पेंशन, बट इतना आपको दुख नहीं देने वाला है। और अनुज भाई तो उसमें अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करते ही हैं, मतलब अनुज भाई ने एम्पल्स से इसमें अपग्रेड करा था तो अच्छी खासी ऑफ रोडिंग उनको करने की आदत है। एंड एक और बात ये भी है कि ऑफ रोड करते रहते हैं इसीलिए इसमें मिरर्स भी नहीं है, काउंटर लीन करता हूँ। हैंडलिंग इस मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। ऑब्वियस सी बात है ड्यूक आरसी से इंस्पायर्ड ट्रेलिस फ्रेम है इसमें, सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी स्टिफ है तो कॉर्नर्स पे तो ये बिल्कुल प्लांटेड रहती है। हाईवे पे भी आपको को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है मोटरसाइकिल प्रोवाइड करने वाली है। एक और जो बात है वो ये है कि जो फैक्ट्री से स्टॉक टायर्स आते हैं एडवेंचर 250 में, MRF मीटियोर मोग्रिप करके टायर्स आते हैं, वो स्टॉक टायर्स इतने खास हैं नहीं, मतलब उस लेवल की आपको ग्रिप नहीं मिलने वाली उन टायर्स में। एंड वो टायर्स इस मोटरसाइकिल की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा लिमिट भी करते हैं क्योंकि वो फ्लैट प्रोफाइल टायर्स हैं, डुअल पर्पस बट फ्लैट प्रोफाइल, तो हैंडलिंग आपको रिस्ट्रिक्टेड फील होने वाली है मोटरसाइकिल की। अब इस मोटरसाइकिल में जो लगे हुए हैं हिमाचल के ऑल्टो भाई साहब, इस मोटरसाइकिल में जो लगे हुए हैं वो है डुअल पर्पस टायर। फ्रंट में इसमें MRF कर्व डला हुआ है तो काफ़ी सही टायर है। 1919 पीछे जो उसमें डला हुआ है वो है अपोलो ट्रैम्पलर, इट्स नॉट दी XR वेरिएंट, इट्स दी 140/70/17 ट्रैम्पलर फ्रॉम अपोलो। और ग्रिप लेवल्स आर इनसेन, इसमें स्टॉक 130 सेक्शन का टायर आता है एंड अभी जो डला हुआ है वो 140 सेक्शन का टायर है। तो वाइडर टायर, मोर ग्रिप, इट जस्ट राइड्स ब्यूटिफुली, हैंडलिंग बहुत ज़्यादा सही है इस मोटरसाइकिल की, आपको कहीं पर भी निराश नहीं करने वाली है इन टर्म्स ऑफ द हैंडलिंग। अभी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इस मोटरसाइकिल को भी डिसेंट है फॉर द प्राइस। फ्रंट में आपको 300 mm का रोटर मिलने वाला है, पीछे आपको 230 mm का रोटर मिलने वाला है एंड इट रन्स ऑन ऑर्गेनिक ब्रेक पैड जस्ट लाइक द एडवेंचर 390 स्ट्रेट फ्रॉम द फैक्ट्री। आपको सेंटर्ड ब्रेक पैड्स वगैरह नहीं मिलने वाले इसमें, बट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ डिसेंट। और अपग्रेड के लिए आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन हैं, आप ड्यूक वाला ब्रेम्बो का सेंटर्ड ब्रेक पैड भी इंस्टॉल करवा सकते हैं फॉर दैट शार्प ब्रेकिंग बाइट, अगर आपको रोड यूजेज के लिए ही मोटरसाइकिल चाहिए। एंड आप इसमें सिरेमिक ब्रेक पैड्स भी डलवा सकते हैं जो डोमिनार वगैरह के लिए और ड्यूक वगैरह के लिए आते हैं फ्रॉम वेस्ट्रा और क्रैंक वन, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपकी टॉप नॉच हो जाएगी। अभी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ ओके फॉर द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दिस मोटरसाइकिल ऑफर्स। रिसेंटली अनुज भाई इस पर स्पीति भी गए थे एंड उनका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था, द मोटरसाइकिल परफॉर्म्ड रियली वेल एंड टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट फॉर अ लाइट वेट राइडर दिस इज़ अ लॉट ऑफ फन। माई वेट इज़ 75 kgs एंड मेरे और अनुज भाई के वेट में ही 15 kg का फ़र्क है, तो मुझे ये इतनी क्विक नहीं लग रही है। बट सुबह जब हम राइड कर रहे थे तो अनुज भाई बिल्कुल, अनुज भाई को ओवरटेक करने के लिए मुझे डोमिनार के घोड़े खोलने पड़ रहे थे एंड इवन अदनान भाई ऑन दी एडवेंचर 390 उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी अनुज भाई तो आगे निकलने के लिए या गैप बनाने के लिए। तो हैंडलिंग, ब्रेकिंग और लाइट वेट बहुत ज़्यादा काम आती है। अभी भी मैं इसे लीन कर रहा हूँ तो मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा है, तो ये टायर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड अगर कोई एडवेंचर और अगर कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है जिसके पास ऑलरेडी एडवेंचर 250 है या कोई यूज़ ख़रीद रहा है, तो भाई टायर्स आप MRF कर्व डलवा सकते हैं, पीछे 150 सेक्शन का आराम से इसमें प्रॉपर फिट आता है एंड कोई आपको घुमा हुआ नहीं लगेगा, अजीब सा नहीं लगेगा, और टायर फुल फिट आएगा इसके रिम में। फ्रंट में आप डलवा सकते हैं 190 वाला और भाई ग्रिप लेवल्स आर इनसेन, एडवेंचर 390 में डला हुआ है एंड बहुत तगड़ा टायर है, ट्राइड एंड टेस्टेड, आपको एक फैक्ट बता दिया मैंने। एंड जो प्राइस है उस टायर का 6600-6500 दोनों सेट का, तो किफ़ायती। और ये एडवेंचर 390 के लिए भी मैं बता रहा हूँ,
क्योंकि उसका जो मेटजेलर का सेट है वो आपको 30,000 का पड़ेगा अगर आपको मिल गया, वैसे तो अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। एंड उसी प्राइस रेंज में अगर आप करना चाहेंगे अपग्रेड तो और महंगे टायर हैं। अभी जो ये वाला रास्ता है इसमें डोमिनार में इस तरह से नहीं चला सकता हूँ, यही मोटरसाइकिल चलेगी ऐसे तो। तो एक और बात है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो ये है कि इस मोटरसाइकिल का कंपटीशन क्या है मार्केट में। तो इन द मार्केट दिस मोटरसाइकिल कम्पीट्स विद द वी स्ट्रॉम 250 एंड द ओल्ड 411 स्क्रैम, एंड कुछ लोग इसको GS 310 से भी कंपेयर करते हैं, बट उसका कंपैरिजन इससे सीधा सीधा नहीं बनता है टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। तो वी स्ट्रॉम की बात कर लेते हैं। वी स्ट्रॉम में आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो काफ़ी हद तक इससे ज़्यादा इंगेजिंग होगी टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। दैट मोटर विच कम्स इन द जिक्सर इज इन द वी स्ट्रॉम 250 एंड दैट मोटरसाइकिल जस्ट इट्स सो मच नाइस टू राइड द वी स्ट्रॉम 250। मतलब वो इतनी बढ़िया है एक कि जब मैंने वी स्ट्रॉम का रिव्यू शूट करा था मैं मोटरसाइकिल चलाता रह गया एंड आई वॉज आउट ऑफ वर्ड्स, मुझे इतना मज़ा आता था उसे पुश करने में। तो सीधी सी बात है मोटरसाइकिल का अपना फील है वी स्ट्रॉम का, एंड मुझे अगर चूज़ करना पड़े एज अ रोड मोटरसाइकिल बिटवीन दिस एंड द वी स्ट्रॉम 250 तो मैं वी स्ट्रॉम चूज़ करूँगा एनी डे। अब वी स्ट्रॉम में जो आपको चीज़ कम मिलने वाली है वो ये है कि थोड़ी सी आपको पावर कम मिलने वाली है एंड प्राइसिंग उसकी काफ़ी कम है एडवेंचर 250 से, और सस्पेंशन ट्रैवल इतना नहीं मिलने वाला। ऑफ रोड सेंट्रिक वो मोटरसाइकिल इतनी नहीं है जितनी एडवेंचर 250 है, बट एज अ रोड मोटरसाइकिल एज एन एडवेंचर टूरर फॉर द रोड और जो ऑफ रोड भी कर ले बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस तो उसका ठीक ठाक है अब 205 mm, इट्स स्टिल नॉट अ बैड मोटरसाइकिल फॉर द प्राइस। अब बोलने वाली बात ये भी है अगर आप एडवेंचर 250 तक अपना बजट पुश कर रहे हैं तो देर आर टू अदर मोटरसाइकिल्स जिस पे आप अपना थोड़ा सा बजट और पुश करके शिफ्ट हो सकते हैं। दे आर दी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X एंड दी एडवेंचर 390X। मतलब जो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन वो दो मोटरसाइकिल आपको ऑफर कर रही है ना, ओ भाई साहब मतलब लिटरली सागर भाई चल रहे हैं आगे ऑन इस डोमिना 400 और उनको मन है काफ़ी अपग्रेड करने का, तो वो सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि मैं एक ऑफ रोड सेंट्रिक मोटरसाइकिल खरीदूं लाइक द एडवेंचर 390 और द स्क्रैम्बलर, बट उनको प्राइस इतना ज़्यादा नहीं देने का मन है और एडवेंचर 390 नई वाली का भी वेट करना है उनको, तो उनका काफ़ी मन था कि वो ये मोटरसाइकिल खरीदे। दो मोटरसाइकिल में कन्फ्यूज़ थे वो, स्क्रैम्बलर 400 फ्रॉम ट्रायम्फ एंड द एडवेंचर 390X। अब काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि 250 से 390 में काफ़ी फ़र्क है। यप, माइलेज में फ़र्क होने वाला है, परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने वाला है, बट स्टिल यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मोटरसाइकिल फॉर द प्राइस। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो KTM की क्वालिटी इज़ नॉट बैड। अगर आप किसी भी मोटरसाइकिल की क्वालिटी इन दी 2024 इज़ नॉट बैड। जावा और यजदीज को छोड़ के उनमें अलग बीमारियां हैं, उनको जंग ज़्यादा जल्दी लगता है, बट उनके अलावा कोई सी मोटरसाइकिल अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो रस्टिंग का आपको इशू नहीं आएगा, आपको जो है रैटलिंग का इशू नहीं आएगा, टाइम टू टाइम सर्विसिंग वगैरह होगी। अब अनुज भाई काफ़ी रफ यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल का, थोड़ा सा अब्यूज़ भी होता है इस मोटरसाइकिल का, तो इसमें हल्की रैटलिंग साउंड है बट ऐसी नहीं है कि आप टूल किट लेके बैठोगे तो वो बंद नहीं होगी, हर चीज़ क्योरेबल है। तो एज एन ओवरऑल दिस इज़ नॉट अ बैड मोटरसाइकिल। जो कमियाँ हैं वो हैं, बट ऐसी कमियाँ हैं कि आप उन कमियों के साथ जी सकते हो, एंड यप, दिस मोटरसाइकिल कुड बी योर डेली कम्यूटर, दिस मोटरसाइकिल कुड बी योर एडवेंचर टूरर, दिस मोटरसाइकिल कुड बी योर ऑफ रोड कंपेनियन। तो कहीं पर भी निराशा नहीं होने वाली आपको। अब ऑब्वियसली आगे डोमिनार 390 को तो मैं नहीं पकड़ पाऊँगा इससे जब तक कि मैं लेट ब्रेकिंग ना करूँ और कॉर्नर ज़्यादा लीन ना करूँ, बट स्टिल आई एम कीपिंग अप एंड दे आर नॉट पुशिंग देयर मोटरसाइकिल टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। अमन भाई इज़ राइडिंग माई मोटरसाइकिल, इट्स इन द मिडल। तो यस, ये लॉन्ग टर्म रिव्यू हो गया एडवेंचर 390 का, हाउ दिस मोटरसाइकिल इज़ कीपिंग अप 31,000 किलोमीटर्स
इज़ इट वर्थ बाइंग, तो आपको मन है तो आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बाकी टेस्ट राइड लीजिए अगर आपको ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल ख़रीदनी है, तो जो मोटरसाइकिल मैं आपको बता रहा हूँ सबके टेस्ट राइड लीजिए। ट्रांस स्क्रैम्बलर 400 अगर आपकी सिटी में उसका शोरूम है, सर्विस सेंटर है, तो बिल्कुल कंसिडर करिए। स्क्रैम्बलर 400X, एडवेंचर 390X एंड द अदर वन इज़ द वीस्ट्रॉम 250। ये तीन मोटरसाइकिल इंक्लूडिंग द एडवेंचर 250 आप टेस्ट राइड लीजिए, जो आपको अच्छी लग रही है भाई वो ले लो आप। कि इन द एंड जो मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा मज़े दे रही हैं वो आपके लिए बेटर मोटरसाइकिल है। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द इंस्टाग्राम हैंडल, एंड एज ऑलवेज राइड सेफ एंड कीप राइडिंग हार्ड।